झारखंड मंत्रालय में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक चली। इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने के साथ ही तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में वैसे कैदियों की सजा पर विचार किया जा रहा है जिनका आचरण अच्छा है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक उम्र की महिलाओं और पुरुष बंदियों को पेंशन योजना से आच्छादित किया जाएगा। साथ ही रिहा हो रहे बंदियों की वर्तमान आर्थिक स्थिति की जानकारी भी उन्होंने प्राप्त करने को कहा। वहीं सीएम ने कहा कि खेल नीति पर विभाग तेजी से काम कर रहा है, जल्द ही नई खेल नीति लेकर आएंगे। और जो सामाजिक तानाबाना ऐसा है और गरीब पिछड़ा और सबसे अधिक इसमें जो देखने को मिल रहा है, जेलों में बंद लोग सबसे अधिक आज आदिवासी दलित पिछड़े लोग ही हैं, अल्पसंख्यक लोग ही हैं। और इनकी जो आर्थिक स्थिति होती है या घर की जो स्थिति होती है काफी दयनीय और काफी मुश्किल भरा होता है। और इस उम्र में अगर वो जेल से निकलते हैं तो उनके जीवन यापन के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए उनको भी अधिकार है। ऐसा ना हो कि जेल से छूटने के बाद एक नए नर्क में चले जाएं। तो इस पर विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है और बहुत जल्द खेल नीति को लेकर आपके समक्ष आएंगे। खेल नीति पहले भी बनी है जो प्रभावी रूप से नहीं रही है, शायद उसमें कई खामियां रही हैं, कई चिंतनें उसमें बाकी रही हैं। उसका एक स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में जो पूर्व से जो खिलाड़ी हैं यहाँ पर, उन खिलाड़ियों के लिए भी और आने वाले समय में भी इस राज्य में खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था हम लोग स्थापित कर पाए उस दिशा में भी। और जो इनफैक्ट वो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं उन खिलाड़ियों के प्रति भी पूरे सामयिक रूप से एक निर्णय लिया जा रहा है। पता नहीं ये असल बात क्या है इसके अंदर, लेकिन ऐसी चीजें हमारे संज्ञान में लाई गई है कि कुछ लोग मेरे जान के पीछे पड़े हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, लोग ऐसे सोच रखने वाले लोग भी हैं इस धरती पर, हम अपना काम करेंगे और शायद हमारे कामों से अगर जिनको तकलीफ है उनको ये उनकी ये सोच हो सकती है। ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है, सरकार पूरी तरीके से सजग है और पूरा सिस्टम इस पर कड़ी नजर रखे हुए है। हाँ, नहीं होगा, अब यहाँ पर जो भी लोग बाहर से आएगा किसी भी रास्ते से आएंगे तो उनको क्वारंटाइन में रहना होगा, उसके बाद ही आगे की गतिविधियां होंगी, चाहे हवा जहाज से आए, सड़क से आए या किसी और भी माध्यम से आए। हालांकि अभी इससे ये धीरे धीरे बंद हो रही हैं और अब इस विषय पर हम लोगों ने इस बार आज ये निर्णय लिया है कि अब क्वारंटाइन में लोगों को रहना होगा जो भी बाहर से आएंगे। अब इस सरकार के लिए पूरे देश में गैर भाजपा शासित सरकारों को अस्थिर करने की कुछ षड्यंत्र चल रहे थे जो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बिल्कुल केंद्र सरकार के मंत्री के समक्ष फ्लैग किया है। लेकिन जहां तक राजस्थान के राजनीतिक विषय पर सवाल है आपका, मैं इस पे अभी तक यही कह सकता हूं कि अभी तक विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाया है और मुझे लगता है आने वाला समय में जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ये अफवाहें